बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनात, रिजक हासिल करने के लिए मेहनत करने से जो मिल जाए इस पर इक्तफा कर लेने को कनात कहा जाता है। कनात की आदत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कनात इंसान में सुकून और इत्मीनान कल्बी पैदा करती है। कनात लालच की जिद है। लालच इंसान को हमेशा परेशानी में मुबतला करता है। कनात एक ना एक दिन इंसान को मालदार बना देती है, क्योंकि कनात में अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है और इससे इजाफा रिजक हो जाता है। इसलिए रिजक के सिलसिले में जो परवरदिगार की रहमत से मिल जाए इसे राजी खुशी कबूल करना चाहिए और कभी अल्लाह का गिला शिकवा ना करना चाहिए। इस तरह जिंदगी इंशाल्लाह बहुत सुख और सुकून के साथ बसर होगी और कभी माली परेशानी ना होगी। यानी जितना कमाओ उतना खाओ के असूल पर चलने से कभी कमी वाकया ना होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी कनात का बेहतरीन अमली नमूना है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि वो जौ की रोटियां और बूदार चर्बी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपनी जिर्रा एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी और इससे अपने घर वालों के लिए जौ लिए थे। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस हाल में शाम नहीं की कि इनके पास एक सा गंदम या एक सा कोई गल्ला हो, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की 9 अज़वाज मुतहरात थीं। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कभी मतवातर 2 रोज़ जौ की रोटी पेट भरकर नहीं खाई, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वफात पाई। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से भूख की शिकायत की और अपने पेटों पर से एक एक पत्थर उठाया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने शिकमे मुबारक से 2 पत्थर उठाए। हजरत उमर बिन शायब रजी अल्लाह ताला अन्हो इनके वालदे माजिद इनके जद्दे अमजद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदतें जिसके अंदर हों तो अल्लाह ताला इसे शाकर साबर लिख लेता है, जो दीनी लिहाज से इसे देखे जो इससे बढ़कर हो और दुनियावी लिहाज से इसे देखे जो इससे कमतर हो, और अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करे कि इसे अल्लाह ताला ने इस पर फजीलत दी तो अल्लाह ताला इसे शाकरो साबर लिख लेता है, और जो दीनी लिहाज से इस शख्स की तरफ देखे जो इससे कमतर हो और दुनियावी लिहाज से इस शख्स की तरफ देखे जो इससे बढ़कर हो और इस पर अफसोस करे जो इसे हासिल नहीं हुआ तो अल्लाह ताला इसे शाकरो साबर नहीं लिखेगा। सईद मुकबरी ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत की है कि वो एक कौम के पास से गुजरे जिनके पास भुनी हुई बकरी रखी थी। उन्होंने आपको खाने के लिए बुलाया तो आपने इनकार कर दिया और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने शिकम सैर होकर जौ की रोटी नहीं खाई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी भूख या एहतियाज को लोगों से छुपाए तो अल्लाह ताला के जिम्मा करम पर है कि इसे एक साल की हलाल रोजी अता फरमाए। हजरत महमूद बिन लाबैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 2 चीजों को नापसंद करता है। वो मौत को नापसंद करता है जबकि मौत मोमन के लिए फितना से बेहतर है। दूसरे माल की कमी को नापसंद करता है जबकि माल की कमी में हिसाब की आसानी है। हजरत अबू हाशम बिन अकबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ताकीद करते हुए मुझसे फरमाया, तमाम माल में से तुम्हें एक खादम और एक घोड़ा जहाद के लिए काफी है। हजरत कतादा बिन नुमान रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करे तो इसे दुनिया से बचाता है जैसे तुम में से कोई अपने बीमार को पानी से बचाता है। हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मेरे लिए मक्का मुकरमा की संस्थान को सोना बना देने के लिए फरमाया। मैं अर्ज गुजार हुआ कि ए रब, ऐसा ना कर, बल्कि मैं एक रोज भूखा रहूं और एक रोज शिकम सैर, ताकि जिस रोज भूखा रहूं तो तेरे हजूर आजजी पेश करूं और तेरा जिक्र करूं, जिस रोज शिकम सैर हूं तो तेरी हमदो सना बयान करूं और तेरा शुक्र अदा करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमन का कैद खाना और कहत है, जब वो दुनिया से जुदा होता है तो कैद खाने और कहत से जुदा हो जाता है। हजरत माज बिन जबर रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब इन्हें जमन की तरफ भेजा तो फरमाया, ऐश पसंदी से बचना, क्योंकि अल्लाह ताला के बंदे ऐश पसंद नहीं हुआ करते। अल्लाहु अकबर।